ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेवाड़ी नगर परिषद की। मेरे साथ देख सकते हैं ये वार्ड के पार्षद है निहाल यादव जी जो यहाँ खड़े हुए हैं, और ये मॉडल टाउन के लोग हैं, क्योंकि वार्ड में जो है मॉडल टाउन भी आता है, तो पार्षद के साथ ये सारे वार्डवासी यहाँ आए हुए हैं। और इसकी वजह एक बार इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं ईओ महोदय को, लेकिन ईओ साहब यहाँ अभी ऑफिस में है नहीं, तो पार्षद महोदय के साथ ये तमाम लोग आए हुए हैं। इसकी वजह एक बार बारी बारी इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि इन दिनों शहर में आवारा कुत्तों का खौफ है, और खौफ के साए में ही ये वार्डवासी जीने को मजबूर है। ये मॉडल टाउन के लोग हैं, ये बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, एक बार इनसे भी बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करते हैं। आखिर वजह क्या है, पहले आप अपना शुभ नाम एक बार बताइए। पंकज जी, मामला क्या है, क्यों आप नगर परिषद में आए हो? ये है कि ये आवारा कुत्तों को गलियों में दो चार को दूध पिलाता है, इसने धंधा बना लिया। वो लोग मीडिया पे सोशल मीडिया पे देख के इसको पैसा डालते हैं, उसका ये मिसयूज करता है, दारू पीता, अड्डा बना दिया इसने मोहल्ले में। कौन है, ब्रीफ में थोड़ा बताइए पूरा मामला क्या है? विशाल पसरीजा है, इसका नाम विशाल पसरीजा है, और मॉडल टाउन में इसने एक शॉप के अंदर नजायज एनजीओ बना रखा है, और उसके अंदर से ये पब्लिक के मीडिया में डाल के पैसा कलेक्ट करता है, और अपना उससे अपना दारू पानी और ये चीजें करता है, और गली में से कोई भी कुत्ता या हमारे कोई बच्चे आते हैं तो वो आ नहीं पाते, पड़ जाता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। अगर हम कुत्तों को कुछ कहते हैं तो ये हमारे से लड़ने मरने को तैयार है, लड़ने मरने को तैयार है। तो सुन लिया आपने, हमने आपको सुना दिया, लेकिन अब आपको बताते हैं विस्तार से, और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग को आवारा कुत्ते घेरते हैं, और वो भी सुबह के वक्त। आस पड़ोस के लोग आते हैं और उनको उस बुजुर्ग को वहां से निकालते हैं, क्योंकि मॉडल टाउन में जो आवारा कुत्ते हैं उनका वहां पर खौफ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कुत्तों का यहां पर आतंक है, और उसी को लेकर के तमाम वार्डवासी परेशान है। वार्ड पार्षद निहाल जी भी आए हुए हैं। जनाब क्या कहेंगे, आप तो वार्ड के पार्षद हैं और आपके वार्ड में कोई एनजीओ चल रहा है और इस तरीके से वहां कुत्तों का खौफ है, क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? सभी बुजुर्ग और बच्चे और लेडीज सारे सब के सब परेशान है, ना तो कोई निकल सकता है, ना कोई घूम सकता है, ना कोई आ जा सकता है। अगर उनसे कुछ कहते हैं तो वो कहता है भाई मेरी तो शिकायत कर दो, ऊपर तक कर दो, जो तुम्हें करना है वो कर दो। हमने उसको कई बार समझा लिया मगर वो नहीं मान, आज ये सब परेशान होकर आए हैं। तो इससे पहले भी तो विवाद उठाया, बोला बता रहे हैं तहसील, उसमें थाने के अंदर भी फैसला हुआ है, उसमें माफी मांगी है पहले कुत्ता दबाने और कुत्ता दबाने के ऊपर पहले हुआ था विवाद। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन में कोई एनिमल के नाम से एनजीओ है, और वो आवारा जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं उनको दूध पानी सेवा पानी करते हैं, और उसी की आड़ में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनको थोड़ा बहुत पैसा दे जाते हैं, और जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि वो दारू पीते हैं और मोहल्लेवासी को परेशान करते हैं। आप तो बुजुर्ग हो, क्या परेशानी है आपको? ऐसी परेशानियां मेरे की मास्टर हरिचंद गावा और पोटियाल का हूँ, हमारे सामने इसने निहाल बेजुबान दोस्त करके एनजीओ खोला, नहीं वो जो है ना विशाल है छनशील सूर्यवान, और उसे इतना परेशान कर रखा है, आवारा कुत्ते पालता है और सारे गंदे काम जितने दुनिया के सारे करता है वो, और उसके बावजूद लड़कियों तक भी उसके पास में जाती है। तो पुलिस पुलिस को आपने पुलिस को शिकायत दी है? हमने पिछले दफा शिकायत की थी सारी इसकी, और उसने आकर के क्या किया, उनके पांव में पड़ गया, एक पुलिस वाले को पैसे दे आया ये, और ये वहां जाके पांव पड़ जाता है, फिर उन्होंने कहा कि अब की बात तो माफी कर, जाकर के माफी मांगाया और हम सारे रह गए एक तरफ, और जरा सी इसकी बात सुनाई हो गई तो पूरे पूरा पूरा मोहल्ला डरा हुआ है क्या उन कुत्तों से? ये पूरा मोहल्ला उसे अंतर मचा रखा है। ऐसे कितने कुत्ते, हार्ट पेशेंट है, दो बार हार्ट अटैक हो चुका है। ऐसे कितने कुत्ते, उसने कितने कुत्ते पाले हुए हैं? ऐसे कितने कुत्ते पाले हुए हैं? ऐसे उसके है नहीं, कभी तो दो खड़े, कभी पंद्रह खड़े होते हैं, पच्चीस बीस बीस पच्चीस पच्चीस कुत्ते खड़े होते हैं वो। तो सुना आपने इस बुजुर्ग की पीड़ित, यानी कि ये महिला भी है जो यहाँ आई हुई है, मैम क्या कहेंगे, किस तरीके का खौफ है आपके वहाँ पर जो आप यहाँ नगर परिषद में ज्ञापन देने आए? देखिए कुत्तों की जहाँ तक बात है, गली हर गली में कुत्ते होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक होते हैं, अपने आप घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। उनको एक एनजीओ बना के, पहले तो ये गवर्नमेंट से मुझे पूछना है क्या ये लीगल है कि एक रेजिडेंस एरिया में इस बंदे ने एनजीओ बना रखी है? इसके लिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस एनजीओ को बंद कराया जाए,
सेकेंडली जितने कुत्ते हैं उनको जिस हिसाब से ये पालता है, ना तो हमारे बच्चे घर आ सकते हैं ना स्कूल से आ सकते हैं, हम बाहर निकलते हैं हमारी गली का नाम ही रख दिया कि कुत्तों की गली, और हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, अपनी वीडियो भी है, आप खुद देख लीजिए कि एक बंदे के पीछे कैसे 15 कुत्ते घूम रहे हैं, क्या ये चीज जायज है या नहीं है, ये स्टेप ऑफ गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ेगा। तो देखिये ये महिला है जो परेशान है और पूरे मोहल्ले के लोग हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ जो कुत्तों का आतंक है, तमाम मोहल्लावासी खौफ के साए में वहाँ जीने को मजबूर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई करनी है नगर परिषद को, शासन को, प्रशासन को, क्योंकि जब अगर शहर से अगर डेयरियों को बाहर कर दिया गया है पशुओं की डेयरियों को, तो जाहिर है ऐसे के अंदर जो एनिमल पालते हैं या कुत्ते पालते हैं उनको भी शहर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते का ऐसा होता है जो किसी को भी खा जाता है, ना लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं ना पार्कों से बाहर निकल सकते हैं, जाहिर है डर और खौफ के साए में तमाम बुजुर्ग और मोहल्लेवासी जीने को मजबूर है। देखना यह है कि शासन प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है। दूसरे पक्ष से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो भी हमारे कैमरे पे आए तो अपनी बात रखे। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल एचआर न्यूज रेवाड़ी।